हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो है आपका रीजनिंग अकॉर्डिंग और डिकोडिंग के ऊपर है। यहाँ वर्ड एक लिखा हुआ मेटल, मेटल का कोड क्या हुआ है LDSZK में, उसी तरह से बोल रहा है जिंक को कोड करिए। ठीक है, तब पहले लिख लेते हैं यहाँ पे METAL, कैसे कोड किया LDSZK में। तो ये क्या है समझने की कोशिश करिए, पकड़िए क्या होगा। एल एम यानी ये माइनस वन हो जाएगा, एम से एल छोटा है, एम से डी ई माइनस वन हो जाएगा, एस टी ठीक है, ए जेड का क्या होता है ए आएगा, ये भी माइनस वन हो जाएगा, के का क्या आएगा तो एल आएगा, माइनस वन हो जाएगा। समझा नहीं बात। उसी तरीके से आइए, अब आपको कौन सा कोड है जेड आई एन सी, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन क्या हो जाएगा वाई जेड, ठीक है। अब यहां पे देखिए कोई वाई से शब्द है तब ऐसे भी मार सकते थे ब्लाइंडली, ए ऑप्शन। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि पांच ऑप्शन में यही आ रहा है वाई, आप चाहे तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। आई के बाद क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एच, फिर आ जाएगा एम, सब माइनस वन है, और यहां पर आ जाएगा बी वाई एच एम बी, फिर आगे ऑप्शन आपको देखना है। अगर इतने से मेरा काम चल रहा था तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पांचों ऑप्शन में तो वाई शुरू में सी में था। ठीक है, चलिए समझ गए, ये इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन वन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर टू में भाई बोलते हैं एक इंग्लिश वर्ड क्या है न्यूमेरिकल, को कोड किया गया है किस तरीके से, एल यू एम आर। देखिए एक चीज देख रहे हैं, अब ध्यान से पढ़िए पकड़िएगा, सारा का सारा सब लेटर जो है यही लेटर है, इसको कोड ऐसे किया गया है एल U M I R E A C N, ठीक है। इसको कोड कैसे किया गया, इसको इस तरीके से कोड किया गया। अब आपको समझना होगा भाई ये लेटर कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, या आप ऐसे कर सकते हैं यहां पे लिख लीजिए ये कौन से लेटर हो गया, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, या ऐसा करिए ओके हटाइए, यहीं पे लिखिए एल U M I R E A C N, ठीक है। अब ये किस तरीके से कोड हो रहा है, ये हो गया लेटर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, और ये हो जाएगा आठवा, ठीक है। मैंने कुछ गलत किया, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ है, यहाँ पे आठ ही कैसा है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, लेकिन गलती किया है, नंबर एक दो तीन चार पांच यहाँ पे छोड़ दिया, वही मुझे लग रहा था, छह सात आठ ये नौ है। अब यहां देखिए एल कहां है, नाइन्थ पोजीशन का, नाइन्थ पोजीशन आ गया, ठीक है, उसके बाद यू है दूसरा आ गया, फिर देखिए एम है तो ये तीसरा आ गया, आई है छठा नंबर आ गया, समझ रहे बात, आर पांचवा नंबर आ गया, ई ये कहां है भाई इसमें चौथा नंबर है, ए आठवां नंबर है, सी दूसरा नंबर है, एन पहला नंबर है। अब समझ में आया, सी सातवा नंबर है, सॉरी। इस तरीके से यहां पे इन्होंने फॉर्मुलेट किया हुआ है सीक्वेंस, आपको इसी सीक्वेंस पे रखना है। कहां पे अब एक लेटर नया दिया है पब्लिश्ड, पी यू बी एल आई एस एच ई डी, काउंट कर लीजिए लेटर कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ठीक है, यहाँ ऊपर मार्किंग करते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन,
हमारा नया लेटर कैसे होगा, 9 2 3 6 5 4 8 7 1, यही चीज उठा के हम लोग यहां पर रखना था, कुछ करना थोड़ी था, ठीक है। अब देखिए 9 में क्या है, डी के बाद यू, तीसरे नंबर क्या है बी, ठीक है, उसके बाद छठन एस है, फिर पांचवा आई है, फिर है चौथा एल है, आठवां ई है, सातवां एच है, पहला पी है, ठीक है। अब देखिए ये सब कोई लेटर है क्या, डी डी ओके डी, यहां पे एक बस ये गलती हो गया, डी यू बी है ये, ठीक है, डी यू बी एस आई एल ई एच बी, ठीक है, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, समझ गए। आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इंग्लिश वर्ड है पीयर, PEAR, ठीक है, उसको बोलता है कि कोड कैसे किया गया है, RCCP में, फिर एक और वर्ड है आंट, AUNT, इसको कोड किया गया CSPR, पीयर, एक के बाद क्या होता है QR प्लस 2 है, फिर यहां देखिए DE माइनस 2 है, AC एक अर्थ क्या BC 2 है प्लस 2 है, फिर यहां देखिए P के अर्थ क्या QR माइनस 2 है, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 का सीक्वेंस है, आंट में देखते हैं यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 कब हो जाएगा AC प्लस 2, U में देखिए QR के अर्थ क्या STU माइनस 2 हो जाएगा, N में देखिए N का M N O P प्लस 2 हो जाएगा, T में देखिए RST प्लस 2 हो जाएगा, आगे R के बाद क्या होगा ST, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से बना। अब हमको यहां पे निकालना है, कहां गया कुशमथुरी, हाँ कौन सा है, लैंड कैसे बनेगा, LAND, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 ले लेंगे, L का क्या हो जाएगा LMN आ गया, A के बाद यहां पे आपका Y आ जाएगा माइनस 2, ठीक है, Y का क्या ZA होता है, फिर देखिए MNOP यहां पे प्लस 2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका B माइनस 2, B का CD, इसलिए देखिए NYPB कोई ऑप्शन है, NYPB ए ऑप्शन है, आया समझ में, इस तरीके से आपका बन जाएगा, इस क्वेश्चन को आप कहीं आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसे सवाल सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या है, ब्रदर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रदर BROTHER इज कोडेड एज %53 #4%,
जो ब्रदर का कोड है इस तरीके से कोड किया हुआ है। अब ये ड्रीम का डी आर ई ए एम, ड्रीम का कोड क्या है 9% 4 सॉरी ड्रीम क्वेश्चन स्टार भी है एक्चुअली ड्रीम में, यहाँ पे एक स्टार है, स्टार छूट गया था इधर, ठीक है तो ये एम स्टार, ठीक है। अब यहां देखिए ये इसके साथ कोड हो गया, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ, समझ रहे हैं। अब इसी के ऊपर एक कोड करना है आपको, क्या कोड का नाम है कहां गया, ये थ्रेड लिखा है टी एच आर ई ए डी, सुनिए टी पे क्या होगा, टी का कोड क्या है यहां सब कुछ बताएगा, ठीक है दैट इज थ्रेड, तीन आ जाएगा। फिर आ जाइए एच, यहां से एच भी निकल आएगा, स्टार हाइफन हो जाएगा, ठीक है आर, आर यहां से भी निकाल सकते हैं आप, दोनों जगह एक ही आर है, क्या हो जाएगा परसेंटेज ई, ये यहां से भी निकल सकता है, ठीक है एक मिनट, डी आर ई ए एम, ठीक है 9% 4 7 और स्टार, ठीक है यहां से आर निकल गया था, यहां से भी आप ई निकाल सकते हैं, ठीक है ई अगर निकालेंगे दोनों जगह से तो आपको चार ही आएगा, ए ए निकालिएगा यहीं से लिखिएगा 7, डी डी हो जाएगा 9, तो 3 हैज स्टार सॉरी परसेंटेज 4 7 है, बी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना था, बनाना था, एग्जाम में इस तरह सवाल आएंगे तो बना सकते हैं, मेरे समझ से कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करके इंक्रीज करें हम लोग को, और पहली बार चैनल को आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें, थैंक यू।